ਅਸ਼ਰਕਾਲ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਸਰਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੀਐਲਸੀ ਕਰੇਗੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੂਚੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ कैप्टन अमरिंदर सिंह के वलों जो अपनी पार्टी बनाई गई है उसकी पहली सूची का ऐलान है जो किया जाएगा उम्मीदवार का ऐलान करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह दस दिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के वलों अपनी पार्टी पीएलसी का ऐलान है जो आज पहली सूची का ऐलान करेंगे तो पहली सूची है जो जारी की जाएगी कैप्टन अमरिंदर सिंह के वलों दस दिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के वलों किन्ने उम्मीदवार की पहली सूची के नाम ऐलाने जाते हैं वह अज पता लगेगा तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो अज पहली सूची जारी करेंगे दस दिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के वलों अज पहली उम्मीदवार की सूची जारी की जाएगी तो इस पहली सूची के विच केड़े नाम हो शामिल होंगे देखना होगा तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अज 2 बजे प्रैस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं तो प्रैस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने वलों पहली जो लिस्ट है जारी की जाएगी पहली सूची जारी करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह दस दिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के वलों पहली सूची जारी की जाएगी तो पहली सूची के विच कैप्टन अमरिंदर सिंह के वलों कई नाम ऐलाने जाएंगे दस दिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के वलों अज पहली सूची जारी की जाएगी तो पहली सूची जो जारी करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह उस दे विच कई नाम ऐलाने जाएंगे तो साढ़े नाल साढ़े पत्रकार मोहाली तो संदीप सिंह ऑनलाइन से जुड़ चुके हैं जी संदीप जेकर देखा जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के वलों अज पहली सूची जारी की जाएगी तो इस पहली सूची के विच कैप्टन अमरिंदर सिंह किन्ने उम्मीदवार का ऐलान कर सकते हैं की अपडेट है फिलहाल जी जी अमरिंदर कल तो कल की गल करिए जो बीजेपी ने अपने 65 उम्मीदवार जो सीटा दिखाई गई 65 उम्मीदवार जो बीजेपी के हिस्से आए हैं तो 38 उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर सिंह के हिस्से आए हैं तो 14 उम्मीदवार जोड़े ने संयुक्त अकाली दल के हिस्से आए हैं तो लगातार जो सूचियां जारी की जा रही ने तो बीजेपी ने पहला ही अपने कुछ जे कैंडिडेट्स ने उतारे ने तो कितने ना कि अज यही गैस लगाई जा रही है कि जे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने उम्मीदवार ऐलाने ने उन्होंने कितने ना कि पहली सूची जी जारी की जा सकती है सूत्रों के मतलब यही खबर है कि प्रेस वार्ता के हिसाब का अज कैप्टन अमरिंदर सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उन्होंने वालों अज अपने जे उम्मीदवार ने उतारे जाएंगे हुण देखना यह भी है कि किन्ने उम्मीदवार जे पहली सूची में उतारे जाते हैं या सारे ही उम्मीदवार जे ऐलाने जा सकते हैं तो बीजेपी कितने ना कि यह भी कहती हुई नजर आ रही है कि असी सारे जे कैंडिडेट जे हुण उतारे ने पहली सूची में उहदे विच कितने ना कि सारे ग्राउंड लैवल नाल जुड़े हुए ने लोगों में विचरते हुए लोग जे ने यह आप कैंडिडेट बना के उतारे ने तो पुराने कैंडिडेट भी जो कुछ उतारे गए तो बीजेपी के भी कुछ जो टिकटों लेके बेचैनी जी चल रही थी तो वो कुछ कैंडिडेट जो उतारे गए थे तो अच्छ कैप्टन अमरिंदर सिंह जे पहली सूची जिड़े कि 38 सीटा उन्होंने हिस्से आई थी तो 38 में कुछ कैंडिडेट जोड़े अच्छ पहले उतारे जा सकते हैं जी जी संदीप क्यासरियां लगाई जा रही ने कि करीब दोपहर 2 बजे तक पहली सूची है उम्मीदवार की कैप्टन अमरिंदर सिंह के वालों जारी की जा सकती है जी कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही प्रेस वार्ता की जा रही है उसके जे कैप्टन अमरिंदर सिंह पहली सूची जारी करते हुए नजर आएंगे पहली सूची में कितने कैंडिडेट जोड़े आते हैं वो हजे देखना बाकी होगा हालांकि जे संयुक्त की गल कर लिए तो संयुक्त भी जे लोग ने भी कैंडिडेट जे उतारे जाएंगे वह भी जमीनी स्तर से जे जुड़े हुए हैं उन्होंने ही उतारने की गल की है अमरिंदर सिंह कितने ना कि पहली सूची जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अज प्रेस वार्ता करेंगे तो वो पहली सूची जी जारी होने की संभावना जी लगाई जा रही है जी जी संदीप तमाम जानकारी के लिए तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद दस दिए कि अज कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब लोक कांग्रेस की पहली सूची जारी करेंगे तो इस पहली सूची के विच देखना ही होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सारे उम्मीदवार का ऐलान करते हैं या फिर कुछ ही उम्मीदवार का ऐलान करते हैं फिलहाल सब दिन नज़र ने जो टिकिया हुई ने कि आखिर कैप्टन अमरिंदर सिंह के वालों अज किन्ने उम्मीदवार ऐलाने जाएंगे तो कि उम्मीदवार मैदान के उतारे कैप्टन अमरिंदर सिंह